गुड वर्क किया गया है लखनऊ पुलिस द्वारा, जिसमें एसपी वेस्ट के नेतृत्व में एसएचओ सारंगधन और इनकी टीम में एक लूट की घटना, एक व्यापारी के साथ की लूट जो रात में हुई थी, जिसमें तीन लोग नकाबपोश होकर के घर में घुसे थे और नकदी और पैसा जेवर लूट लिया था। इस घटना का अनावरण किया गया है और बहुत ही कम समय में किया गया है। ये दिनांक 24/10/18 की घटना है। रात 8:30 बजे के बाद जो इनका यहाँ एक नौकर था मुराद, इसने अपने दो साथियों के साथ प्लानिंग बनाई थी और छत का जो दरवाजा था उसको खुला छोड़ दिया था। इसके जो दो साथी थे विपिन और दीपू, ये लोग भी वहाँ पर आए और उसके बाद इन्होंने असला के दम पर वहाँ पर लूटपाट करी और वहाँ से फरार हो गए। और पुलिस ने अपनी सुराग रस्सी पता रस्सी जारी रखते हुए पूरे एफर्ट्स इसमें दिए और 24 घंटे के अंदर इन सबको गिरफ्तार करके पूरा माल बरामद कर दिया। इनके पास से जो माल बरामद हुआ है उसमें कंगन है, आधार कार्ड है, पेंडेंट है, सोने की चेन है, चाकू है, सफेद धातु का गिलास है, इलायची दान है, एक छोटा दिया आरती का, ये सब ज्वेलरी से रिलेटेड है। दो अदद बिछुए हैं, दो खाली, इनके अलावा चेक भी मिले हैं, तमंचा 12 बोर का, एक कारतूस, 84,870 रुपये नकद बरामद और मोबाइल फोन बरामद हुआ है, कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं। इस तरह से एक कुछ ही समय में एक सनसनीखेज घटना के वर्कआउट से जो स्थानीय व्यापारी है उनमें खुशी की लहर है और पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा है। इस टीम को प्रोत्साहन के लिए 10,000 रुपये टीम को भी इनाम दिया जा रहा है और इन तीनों अपराधियों को जेल भेजा जा रहा है। सर, कितने की लूट हुई थी और कैश कितना था? इसमें 84,870 रुपये जो है बरामद हुआ है, उसके अलावा जो ज्वेलरी है तकरीबन 1.5 से 2 लाख के बीच। इससे पहले भी कभी इसमें जो ये विपिन है इसका आपराधिक इतिहास है। इसमें पहले चोरी की घटना 2015 में सारी थी। ये सभी लोग, ये जो इनके साथी हैं, ये बचपन के दोस्त रहे हैं और ये हड़दुई में साथ हैं। सर, देखने में आया है कि लूट होती व्यापारियों के वहाँ नौकर उसमें पाए जाते हैं और बकायदा आपों की तरफ से नोटिस भी जाते हैं इन व्यापारियों को कि उसकी वेरिफिकेशन कराया जाए, उसके बावजूद भी नहीं कराते हैं और गुलदस्ता देने चले जाते हैं। आदमी वेरीफाइड था, नियम खराब थी। अच्छा, ठीक है सर, घटना कैसे अंजाम दिया जा रहा है?